तो हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का ट्रेंडिंग डांसिंग वीडियो इफेक्ट वीडियो एडिटिंग। आप भी देख सकते हो ये वीडियो कैसे जूम इन एंड जूम आउट होकर स्लो मोशन में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप भी कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन में वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपकट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। देन कैपकट मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका गैलरी में जितना भी वीडियोस है आपका मोबाइल का स्क्रीन का सामने शो हो जाएगा। आप जिस भी नॉर्मल वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो आपको उसी वीडियो को सिलेक्ट कर देना है। देन उसी वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी एड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका स्क्रीन का सामने ये वीडियो ऐड हो जाएगा। ये देख सकते हो गाइस, ये है हमारा नॉर्मल वीडियो। उसके बाद आपको क्या करना है इफेक्ट ऐड करने के लिए, वो सिंपली आपका नॉर्मल वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। देन थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद नीचे देख सकते हो गाइस स्टाइल लिखा हुआ के एक ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है उसी स्टाइल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन उसी स्टाइल वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन का सामने बहुत ही सारा इफेक्ट शो हो जाएगा। देख सकते हो ये कितना सारा इफेक्ट हमारा मोबाइल का स्क्रीन का सामने शो हो गया है। तो आपको कौन सा इफेक्ट को अप्लाई करना है जिसका बदले आपका वीडियो ऑटोमेटिकली स्लो मोशन होके जूम इन जूम आउट इफेक्ट ऐड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। देन थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद आपको एक इफेक्ट को अप्लाई करना है जिसका नाम है फेड ब्लर। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है उसी फेड ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसी फेड ब्लर वाला इफेक्ट को क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपका स्क्रीन का सामने ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा। थोड़ा सा लोडिंग लेने तक आपको क्या करना है वेट कर लेना है। और ये थोड़ा सा वेट करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा नॉर्मल वीडियो जनरेटिंग हो रहा है। इसी जनरेटिंग 100% होने तक आपको वेट कर लेना है। और कुछ सेकंड वेट करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा नॉर्मल वीडियो कम्प्लीटली 100% जनरेट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है उसी डन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ये देख सकते हो गाइस हमारा नॉर्मल वीडियो में ये ऑटोमेटिकली इफेक्ट ऐड हो चुका है। ये देख सकते हो गाइस ऑटोमेटिकली जूम इन जूम आउट हो रहा है और ये स्लो मोशन फास्ट ऑटोमेटिकली हो रहा है और ये फ्लैश इफेक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना है आपका वीडियो को थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा बैक चले आना है। देन उसके बाद गाइस आपका वीडियो को और थोड़ा अच्छा बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है आपका वीडियो में क्लिक कर देना है। देन आपका वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। देन थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद आपको उसी कैमरा ट्रैकिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देख सकते हो गाइस नीचे कैमरा ट्रैकिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको उसी कैमरा ट्रैकिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन कैमरा ट्रैकिंग वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको कैमरा ट्रैकिंग वाला ऑप्शन में अगेन क्लिक कर देना है। देन गाइस आपका सामने कुछ इस टाइप का तीन ऑप्शन शो हो जाएगा। आपको उसी फेस में ही रहने देना है और आपका फेस में एक बार क्लिक कर देना है। देन फेस में एक बार क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है उसी स्टार्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन स्टार्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका सामने ये कुछ सेकंड का लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने तक गाइस आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। उससे हमारा वीडियो में क्या बेनिफिट होगा गाइस, ये जो हमारा वीडियो में कैमरा ट्रैकिंग हो रहा है ये आपका फेस को ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग कर लेगा, जिससे कि हमारा वीडियो और ही थोड़ा अच्छा बेटर लुक दी जाएगा। आपको क्या करना है 100% होने तक थोड़ा वेट कर लेना है। और ये थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद देख सकते हो गाइस कम्प्लीटली 100% हमारा वीडियो में ये ऑटोमेटिकली कैमरा ट्रैकिंग वाला इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है उसी डन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन डन वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद अगेन आपको उसी बीच में क्लिक कर देना है। फाइनली देख सकते हो गाइस हमारा नॉर्मल वीडियो में ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये देख सकते हो गाइस कैसा स्लो मोशन होके ऑटोमेटिकली हमारा वीडियो फास्ट हो रहा है और ये फ्लैश का इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ये देख सकते हो गाइस ये वीडियो कितना ऑसम लग रहा है, बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। आपको और थोड़ा सा क्या करना है आपको उसी वीडियो में क्लिक कर देना है। देन वीडियो में क्लिक करने के बाद आपको उसी एडजस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है उसका सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर देना है। देन सैचुरेशन को इंक्रीज करने के बाद आपको उसका शार्पन को सिलेक्ट करना है और शार्पन को थोड़ा सा इंक्रीज 50 के करीब इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपको उसी डन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर उसी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना है उसका रेडियो को पहले तो सिलेक्ट कर देना है। आपको उसका फ्रेम रेट को 60 में ही रहने देना है। उसके बाद आपका साइज को सिलेक्ट करना है और उसी एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन आपका स्क्रीन का सामने थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद आपका गैलरी में फुल HD में ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय।